और दिलों से स्वागत, जैसे एक गार्जियन का स्वागत किया जाता है उसका स्वागत करेंगे, जैसे एक पिता का स्वागत किया जाता है उसका स्वागत करेंगे, एक पुत्र के रूप में स्वागत करेंगे। इतना ही खुशी है जितना कि जन्म लेने के बाद बच्चे को लगता है कि अपने माँ के गोद में जाने के बाद संतुष्टि मिलता है, उस तरीका से लगेगा कि हम लोग को फिर से हमारे जो गार्जियन थे बाहर वो आए, हम लोग को अति प्रसन्नता होगी। बहुत जल्दी इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम फिर वही दोहराएंगे, क्योंकि अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर से एक नए बिहार के निर्माण और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे की ओर ये ले जा सकते हैं। बिल्कुल बनाना चाहिए, ऐसे ही युवाओं की जरूरत है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना के बापू सभागार में RJD के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। हम यहाँ के जो RJD के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। जिस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब वो सिंगापुर से दिल्ली वापस आ गए हैं, तो पटना वापस आएंगे तो कितना खुश है कार्यकर्ता? लालू यादव अब दिल्ली से पटना दिल्ली आ गए हैं तो कितना खुश है कि उनको? बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो हमारे नेता हैं और उनके आदर्श के विचारों पर हम लोग चलने वाले हैं और वो स्वस्थ हो गए। भगवान से कामना करते हैं कि हमारे बीच जब तक गार्जियन स्वरूप हैं, जब तक भगवान से कामना करते हैं स्वस्थ रहें। तो क्या वो अगर पटना आते तो कितना स्वागत करिएगा उनका? बहुत दिलों से स्वागत, जैसे एक गार्जियन का स्वागत किया जाता है उसका स्वागत करेंगे, जैसे एक पिता का स्वागत किया जाता है उसका स्वागत करेंगे, एक पुत्र के रूप में स्वागत करेंगे। तो क्या लगता है अगर वो आते हैं पटना तो पहले जैसा राजनीति में सक्रिय हो पाएंगे? उससे बहुत ज़्यादा, एक नया युवा हम लोग को नेता मिले हैं आदरणीय तेजस्वी यादव के रूप में, और लालू यादव जी का हम सभी युवा नेता धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा नेता हम लोग के बीच में लाए हैं जिनके मार्गदर्शन पर बिहार बड़े विकासशील के दिशा में जा रही है, और उनका हम स्वागत करते हैं। लालू जी को दिल तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपके बीच में ऐसा नेता हम लोग के बीच में आप दिए हैं। तो क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए? वो अभी तो इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आज अभी के जो स्थिति है और भविष्य में क्या राजनीति क्या दिशा में जाएगी उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और दोनों का जोड़ी बेटर है, हम कामना करेंगे दोनों का। चाचा भतीजा का जोड़ी जी बेहतर है। क्या कहिएगा? बहुत खूब इन्होंने जो बात बोला वो सत्य बात है, और अभी तक जिस तरीका से बोला गया था हम लोग को भ्रमित किया गया था, मगर अभी का जो रोजगार का मैटर था वो भी सटीक रूप से आगे जा रहा है, और हम लोग आगे भविष्य कामना करेंगे, हमें सारे कार्यकर्ता लोग कि इसको और दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ाए। लालू यादव अगर बिहार आते हैं तो क्या कितना खुशी है और कितना उनका स्वागत करिएगा आप? इतना ही खुशी है जितना कि जन्म लेने के बाद बच्चे को लगता है कि अपने माँ के गोद में जाने के बाद संतुष्टि मिलता है, उस तरीका से लगेगा कि हम लोग को फिर से हमारे जो गार्जियन थे बाहर वो आए, हम लोग को अति प्रसन्नता होगी, और हम भविष्य कामना करेंगे हमारे गार्जियन स्वरूप जो हैं उनका स्वास्थ्य हमेशा बना रहे। तो BJP वाले फिर कहा जा रहा है कि उनका जो बंद फाइल था उसे खोल दिया गया, फिर से वो जेल चले जाएंगे। इस पर विशेष रूप से ऊपर वाले का काम है, वो जो इस तरीका से काम कर रहे हैं, हमारे CBI हो चाहे को हो, वो उनका काम है, हम लोग को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। फिर से केस खुलता तो फिर से वो जेल चले जाएंगे आपके नेता? ये काम उनका है, ये काम ऊपर कानून का है, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहिएगा, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जल्दी से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए? वो एक गार्जियन स्वरूप सरकार को चला रहे हैं, जब ऐसा होगा तब होगा, उसके आगे अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या कहिएगा, कितना खुश है लालू यादव अब दिल्ली लौट गए, पटना लौट गए? पहले से बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत खुश। तो पटना आएंगे तो स्वागत करिएगा? बहुत ज़्यादा, जितना क्षमता होगा दिल से करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहिए यादव, जिंदाबाद। सर देखिए, अभी जिस दिशा में देश जा रहे हैं, लेकिन अभी नया युवा हमारे साथ एक तरह से तेजस्वी यादव गार्जियन बन के आए हुए हैं, और बिहार को वैसे ही ज़रूरत है नए युवाओं के रूप में। अगर आए हैं तेजस्वी यादव, अगर इसका बिल्कुल अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो आज बिहार को बहुत आगे नहीं बल्कि बहुत आगे की ओर ये ले जा सकते हैं, ये हम लोगों को उम्मीद है। क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री को जल्दी से बना देना चाहिए तेजस्वी यादव? बिल्कुल, बहुत जल्दी इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम फिर वही दोहराएंगे, क्योंकि अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर से एक नए बिहार के निर्माण और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे की ओर ये ले जा सकते हैं। बिल्कुल बनाना चाहिए, ऐसे ही युवाओं की ज़रूरत है, और हमारे यंग
नेता हैं अभी। लालू यादव स्वस्थ हो गए तो क्या कामना करते हैं, वो फिर से आए बिहार में राजनीतिक फिर से सक्रिय करें? नहीं, सक्रिय करिए वो तो गार्जियन है और गार्जियन तो हमेशा उनका ही दिशा निर्देश चलेंगे ही, लेकिन जब तक वो रहेंगे उनका दिशा चले, लेकिन हम लोगों के बीच हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बने तो वो तेजस्वी यादव ही बने मुख्यमंत्री। लेकिन विपक्ष कहते हैं कि जंगल राज वापस आ गया है। देखिए विपक्ष को तो पेट दर्द होगा ही, क्योंकि उनको तो मालूम है कि अगर वो आते हैं तो फिर हमारे ऐसे होंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जनता का जहाँ तक जो रुझान है कि फिर से अगर ये आए हैं जंगल राज नहीं, क्योंकि देखिए पहले का जो एक टेक्नोलॉजी था वो टेक्नोलॉजी आज नहीं है, आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकला है और उसी दिशा में नए यंग के रूप में हमारे तेजस्वी यादव जी आते हैं तो बिहार को आगे की ओर वो ले जा सकते हैं। क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए नीतीश कुमार को? हाँ, बना देना चाहिए, बना देना चाहिए, बना देना चाहिए। क्या कहिएगा, लालू यादव भी स्वस्थ हो गए हैं? वो बहुत स्वस्थ हो गए, खुशी की बात है, और आ रहे हैं बिहार भी आएंगे, अभी तो दिल्ली आ गए हैं, बहुत खुशी, और उससे ज़्यादा राजनीति में सक्रिय गार्जियन तो है ही, लेकिन और सक्रिय भूमिका निभाएंगे। 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है? हाँ, बना देना है, बना देना है, बना देना। क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, नीतीश कुमार बना दे अभी से? अभी नहीं भी बने, टाइम होने से बन जाएंगे, टाइम होने से बन जाएंगे, बन जाएंगे। आप लोग बनाइए 2025 में? हाँ, 2025 में तो निश्चित ही है। लालू यादव भी स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए हैं? ठीक हो गए हैं तो, और अति सुंदर है। अगर बिहार में आते हैं तो राजनीति को उनका सक्रिय फिर से जैसा होगा पहले से ज़्यादा मजबूत और होंगे। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि जंगल राज वापस आ जाएगा अगर लालू यादव आ जाएंगे फिर से? विपक्ष का बोलने काम ही है, वो तो कुछ से कुछ नहीं बोलेगा तो कैसे हो? लेकिन बोल रहे हैं जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज कहाँ है, कहीं है जंगल राज? हम लोग तो अकेले पटना घूम रहे हैं, जम्मू भागलपुर कहीं घूम रहे हैं, कहाँ कहीं कोई परेशानी नजर आ रहा है। लेकिन वो तो कहते हैं अभी नीतीश का राज, अगर लालू यादव आएंगे तो पहले जैसा हाल हो जाएगा जैसे पहले जंगल राज था। पहले जंगल राज था, पहले क्या थे हम लोग तो नहीं जान रहे, लेकिन अब युवा का सरकार आए हैं, आएंगे तो जंगल राज कहीं कुछ नहीं रहेंगे। नहीं, क्या कहिएगा? हम तो बढ़िया कहेंगे, लालू यादव आए, तेजस्वी आए भैया, जो कि बिहार को अच्छी राजनीतिक शिक्षा बढ़े, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो बापू सभागार में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि है, इसी को लेकर आरजेडी के द्वारा यहां कार्यक्रम रखा गया है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो आ रहे हैं। हम इनसे सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव को, क्या दादा, लालू यादव आ गए हैं स्वस्थ होकर, वो अगर बिहार आएंगे तो स्वागत करिएगा ना? हाँ, करेंगे। तेजस्वी यादव क्या कहिएगा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए उनको जल्दी से? जी जी जी, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, बनाना है जी, हम तैयारी से आए हैं। अब ये बना दे कि 2025 में बनाइएगा? आप वोट होगा तो बना दीजिएगा। देख सकते हैं क्या कहिएगा, 2004 सिपाही भर्ती वाले कैंडिडेट है। आप कैंडिडेट है, आपका समस्या है, आप थोड़ा सा इधर आ जाते ना, थोड़ा सा बढ़िया सा हम